चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और यूआईटी चेयरमैन आलोक रंजन ने यूआईटी के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने को लेकर निर्देश दिए। साथ ही मानसून पूर्व शहर के नालों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। बैठक के निर्णय और अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन से खास बातचीत की सहयोगी पी के अग्रवाल ने देखिए। मानसून की दस्तक देने वाला है और निश्चित तौर पर शहर की सफाई भी जरूरी है, तो जिला कलेक्टर और यूआईटी के चेयरमैन आलोक रंजन ने विभागीय बैठक ली है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा की है, जानने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों की बैठक ली है, यूआईटी के चेयरमैन भी हैं, किस प्रकार का निर्णय लिया? देखिए, यूआईटी जो हमारी संस्था है उस यूआईटी के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता के कुछ सिविल वर्क चल रहे हैं, तो उनको बिकॉज आचार संहिता थी तो उस गति में यूआईटी की टीम देख नहीं पाई, परंतु मुख्य रूप से हजारेश्वर पुलिया है, यूआईटी का गांधी पार्क है जो कि किले की तलहटी में है, और साथ में जो यूआईटी के द्वारा विविध कार्य सिटी में कराए जाएँ, चाहे वो मरम्मत के कार्य हों, रोड के कार्य हों, डिफरेंट फंड से कराए जा रहे हैं, तो जो पुलिया है उसके कार्य में भूमि अधिग्रहण का जो भी मसला है उसको शीघ्र निस्तारण के लिए बोला गया, 5-6 महीने से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो विरासत है चित्तौड़ का किला, उस पर यूआईटी ने लाइटिंग का कार्य कराया था, उसमें लाइटिंग कार्य को लेकर के जो शिकायतें प्राप्त हुई और उसके बाद में जो वेंडर है उसके द्वारा कार्य को उतना अच्छे से नहीं किया गया, उसके संबंध में भी यूआईटी को निर्देश दिए गए हैं। रादर उनको इस बार ये कहा गया है कि इस विषय में डिसीजन लेकर के इस कार्य को शीघ्र पूरा कराएं, क्योंकि इसका जो समय है वो समाप्त हो गया है, और ये दोनों ही बहुत महत्व के कार्य हैं, चाहे पुलिया हो चाहे लाइट हो। जहाँ तक बरसात का प्रश्न है, नालों की सफाई ये नगर परिषद का प्राथमिक रूप से कार्य है, और वो आचार संहिता के दौरान भी इस कार्य को चालू कराया था, और जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई है आपके माध्यम से मीडिया रिपोर्ट से जो जो प्राप्त होता है उसमें करेक्शन करते हैं। दोनों ही संस्थाओं को ये भी निर्देश दिए गए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये निर्देश दिए थे कि कहीं भी इस तरह से कोई अगर रिपोर्टिंग आती है जो किसी पत्रकार स्ट्रिंगर के द्वारा कहीं भी ये उल्लेखित किया गया है कि ये समस्या है, तो वो उसको संज्ञान में लें और उसमें यदि कोई कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई करें, यदि वो खबर में सही नहीं है तो उसके बारे में भी सूचित करें। तो ये भी एक दोनों संस्थाओं को निर्देश दिए गए जिससे कि चित्तौड़ जो है वो साफ़ सुथरा शहर भी दिखे और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं ये जल्दी पूरे हों। मानसून से पहले की तैयारियां तो बहुत सारी होती हैं, स्वाभाविक तौर पर निर्देश भी दिए जाते हैं, काम भी शुरू कराए जाते हैं, लेकिन पहली मानसून जब होती है उसी दिन पता चलता है कि शहर पे सड़कों पे घुटनों तक पानी भर गया, पूरा शहर पानी पानी हो गया, उस वक्त लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, वो कोताही सामने नहीं आई, इसके लिए किस प्रकार का एक्शन होगा? देखिए, तैयारी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो वर्तमान में हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे नगर परिषद के अधिकारी, हमने यूआईटी को भी इसमें लगाया है, इरिगेशन को भी बोला है, एक कुछ अंडर पासेज है वहाँ पानी भर जाता है, मड पंप की आवश्यकता वहाँ पर रहेगी, पर ये बात सही है कि जो मानसून है जैसा इस बार प्रेडिक्शन है नॉर्मल से अच्छा रहने की संभावना है, तो इसीलिए नॉर्मल से बेहतर कार्य वो करें ये संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोताही कोई नहीं बरतता है, परंतु ये भी सही है कि हर साल डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय में पानी कहीं अवरुद्ध हो सकता है, परंतु ये निर्देश दे दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इस बारे में मीटिंग भी ली थी, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई विकट समस्या तो नहीं आएगी, परंतु यदि फिर भी कोई ऐसा विषय ध्यान में आता है और जहाँ कोई कमी मिलती है तो फिर उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये थे जिला कलेक्टर आलोक रंजन, साफ शब्दों में कहना है कोताही बरतेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगी, और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि मानसून के दौरान जो पानी आएगा निश्चित तौर पर शहर इस बार घुटनों तक पानी पानी नहीं होगा, और स्वाभाविक तौर पर यूआईटी के जहाँ तक कामों की चर्चा है तो निश्चित तौर पर निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही सारे काम पूरे होंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।